हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, गाज़ा हिस्ट्री ऑफ वॉर, तो गाज़ा स्ट्रिप में कैसे इसमें हिस्ट्री रही है लड़ाई की, तो चलिए इस आर्टिकल में देखते हैं। एक बार ये देखने से पहले हम लोग लोकेशन चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये रहा अपना इंडिया, इंडिया से हम जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाएंगे ईरान। अब ईरान के बाद आप इराक जाइए या सीरिया जाइए, नहीं नहीं इराक जाइए, और इराक के बाद सीरिया, सीरिया से या जॉर्डन या डायरेक्ट इसराइल जाइए आप। तो ये हमारा मेन, हमें ये जगह देखना है इसराइल। इधर में क्या है आपका, मेडिटेरेनियन सी है, आप देख रहे हैं इधर में मेडिटेरेनियन सी है। ऊपर में नॉर्थ में लेबनन है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है, और साउथ में आपके इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है। तो चलिए एक बार इस लोकेशन को देख लेते हैं। अब इसमें गाज़ा स्ट्रिप कहाँ पर है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये हमारा हो गया इसराइल, ये वेस्ट बैंक एरिया हो गया अपना, ठीक है, ये अपना गाज़ा स्ट्रिप हो गया, और ये आपकी इनकी बॉर्डर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, ये ऐसे रह रहे हैं, यहाँ पे आपका गाज़ा स्ट्रिप हो गया, और यहीं पे आपका जेरूसलेम आपके वेस्ट बैंक में है, तेल अवीव आपका जो इनका है सबसे, जेरूसलेम के बाद सबसे बड़ा सिटी वो यहाँ पर है। यहाँ पे आपका इजिप्ट है, इधर में आपको जॉर्डन, इधर में सीरिया, इधर में ऊपर में लेबनन। तो ये इसका लोकेशन हो गया जैसा हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए यूएई है, यहाँ पे हमने देखा था इराक है, और इराक के फिर बगल में हमने देखा था उधर में ईरान है, ईरान के उधर में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उधर में इंडिया है। तो ये तो हमने लोकेशन देख लिया। इधर में आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा में इनकी डायरेक्ट एंट्री है। तो क्या ये लैंडलॉक है, नहीं लैंडलॉक नहीं है, इधर आप मेडिटेरेनियन है, इधर में आप देखिए गल्फ ऑफ अकाबा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं ओशन में। तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये गाजा स्ट्रिप का, यहाँ से बॉम्बार्डिंग हुई थी और वापस से यहाँ पे रिपरकशंस हो रहे हैं। तो ये हमने देख लिया इसका लोकेशन, गाजा स्ट्रिप है कहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। इन जनवरी 2018 इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ज्वाइंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट तीन मूर्ति चौक इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली टू पे होमेज टू इंडियन सोल्जर्स हु फेल इन द बैटल ऑफ हाइफा इन इसराइल अ सेंचुरी अगो। हाइफा अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, किस लिए, हाइफा का जो पोर्ट है वो हमारे अडानी जी ने खरीद लिया है, तो बिडिंग में उनको ये हाइफा का पोर्ट दे दिया गया है, मतलब वो हाइएस्ट बिडर थे, तो ये आईफा इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द चौक वॉज रीनेम्ड तीन मूर्ति हाइफा चौक, इट्स थ्री स्टैचूज कमोमरेटिंग द हीरोइज्म ऑफ द लेंसर फ्रॉम जोधपुर, मैसूर एंड हैदराबाद। तो ये तीन जगह से वहाँ पे सोल्जर्स थे, जोधपुर, मैसूर एंड हैदराबाद, हुअर पार्ट ऑफ द इम्पीरियल सर्विसेज कैवेलरी ब्रिगेड एंड हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द सिनाई एंड पेलेस्टीन कैंपेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो यहाँ पे हमने देखा था नीचे में इजिप्ट है, ऊपर में लेबनन है, इधर में आपका सीरिया है, सामने में जॉर्डन, इधर मेडिटेरेनियन सी, ये हमने लोकेशन देखा है। अब देखिए, बिफोर हाइफा गाजा क्या था, 10 months बिफोर हाइफा द लेंसर एंड द गुरखा राइफलमैन प्लेड अ की रोल इन अनदर बैटल फॉर साउथ ऑफ हाइफा। तो साउथ ऑफ हाइफा में फिर से बैटल हुआ था इन अ लैंड हगिंग द सेम मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन। तो यही हो गया आपका मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन, इसी की बात हो रही है। द थर्ड बैटल ऑफ गाजा इन नवंबर 1917 बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन द पेलेस्टीन कैंपेन। द इंडियंस फॉट अलॉन्ग साइड द एम्पायर्स फोर्सेस अगेंस्ट द ऑटोमन्स अंडर द जनरल जर्मन क्रेस वॉन क्रेसिस्टियन। द येलड्रिम आर्मी ग्रुप लेड बाय रिच वॉन फल्केहन हु हैड बीन द प्रूशियन मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड चीफ ऑफ द जर्मन जनरल स्टाफ। दिस ओटोमन यूनिट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द जर्मन एशिया कॉर्प्स। तो आप देखिए, अगेंस्ट हम लोग जा रहे थे किसके, ओटोमन के, यहाँ पे अगेंस्ट इंडियन हेल्प कर रहे थे किसके, ओटोमन्स के। द इम्पीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड कट थ्रू गाजा एंड एडवांस्ड अप टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप।
ये आपका गाजा स्ट्रिप है, इसका नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गाजा स्ट्रिप। इंटेंस मनोवियर्स एंड इंगेजमेंट्स लेटर द ओटोमन फोर्सेस रिट्रीटेड। तो ओटोमन को वहाँ से निकाला गया था, किसके हेल्प से? इंडियन फोर्सेस से। थ्री मूर्ति मतलब जोधपुर, मैसूर एंड हैदराबाद। 20 लाख पट्टी क्या है? इंडियंस कॉल द गाजा स्ट्रिप द गाजा पट्टी। हाँ, गाजा पट्टी हम लोग स्ट्रिप का हिंदी में मतलब ही पट्टी है। एंड इट इज जस्ट दैट अ स्लीवर ऑफ लैंड बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट द मेडिटेरेनियन इज टू इट्स वेस्ट होम टू मोर देन 20 लाख पैलेस्टीनियन इन एन एरिया बेरली 365 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑन द प्लेनेट। तो आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी है आपका। द गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने देखा था, ये गाजा पट्टी हो गया आपका और ये वेस्ट बैंक हो गया। यहाँ पे आप ये दोनों पैलेस्टीन का उनका घर है, पैलेस्टीनियंस का। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। एंड इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू ग्रांट रिकॉग्निशन इन 1988। 8 ईयर लेटर इंडिया ओपन्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन गाजा विच वॉज शिफ्टेड इन 2003 इन रामल्ला, अ सिटी इन द वेस्ट बैंक एंड द डिफैक्टो कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने अपना रामल्ला, यहाँ पे जगह है, वहाँ पे हमने अपना डिप्लोमेटिकली इस्टेब्लिशमेंट भी कर लिया था 2003 में। इन फेबर 2018, अ मंथ आफ्टर ही होस्टेड नेतन्याहू इन न्यू दिल्ली, मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पैलेस्टीन वेयर ही वॉज रिसीव्ड बाई प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास एंड लेड अ व्रत एट अ म्यूजियम ऑफ यसर अरफात इन रामल्ला। तो जहाँ पे हमने अपना डिप्लोमेटिक स्टैब्लिशमेंट 2003 में किया था, वहीं पे हमें रिकॉग्निशन ये मिली है। द पपेट स्टेट क्या है? ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश इन 1918 आफ्टर द डिफीट ऑफ द ओटोमन इन द ग्रेट वॉर, गाजा पास्ड इनटू इजिप्शियन हैंड्स फॉलोइंग द 1948 अरब इजराइल वॉर एट द एंड ऑफ द ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टीन, एंड ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट फंक्शन एज इजिप्शियन पपेट रिजाइम, बट द प्रिटेंस एंडेड इन 1959 व्हेन इट वाज डिसॉल्व बाय द गमल अब्दुल नसर एंड कायरो मिलिट्री रूलर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द स्ट्रिप। अब देखिए, यहाँ पे कायरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कायरो कहाँ का जगह है बताइए मेरे को आप लोग, कैपिटल है। इन जून 1967, थ्रेटन्ड बाय द कोएलिशन ऑफ द अरब स्टेट्स, इजराइल लॉन्च प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजिप्शियन एयरफील्ड एंड मिलिट्री फैसिलिटीज। इट्स ग्राउंड ट्रूप्स ओवररन द गाजा स्ट्रिप एंड सिनाई पेनिनसुला सीजिंग इट फ्रॉम द इजिप्शियन। इट ऑल्सो टुक द वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम द जॉर्डियंस एंड द गोलन हाइट्स फ्रॉम द सीरियंस। द सिक्स डे वॉर एंडेड इन द डिसिसिव इजराइली विक्ट्री। तो देखिए, ये सिनाई, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिनाई पेनिनसुला ही है इजिप्ट का। तो ये हमने इसराइल ने ले लिया था, ठीक है। वेस्ट बैंक में आप देखिए, इन्होंने जेरूसलेम का ईस्ट पार्ट पूरा ले लिया था, और क्या लिया था आप देखिए, यहाँ पे ईस्ट जेरूसलेम ले लिया और जॉर्डियन से गोलन हाइट्स ले लिया। गोलन हाइट्स आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है, यहाँ पे गोलन हाइट्स ले लिया इन्होंने, और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ले लिया। तो उस दिन 8 दिन के वॉर में किसने रिट्रीट किया था? जस्ट सेकंड, जो 8 डे वॉर था उसमें किसकी विक्ट्री हुई थी? इसराइल की। 8 डे वॉर में विक्ट्री हुई थी इसराइल की, एक तरीके से। विक्ट्री एंड रियलाइजेशन क्या है देखते हैं। फ्रॉम द योम किपुर वॉर ऑफ अक्टूबर 1973, इन विच इसराइल अगेन डिफीटेड द अरब कोएलिशन आफ्टर बींग सरप्राइज बाय द जूश हॉलीडे वॉज टू शेप द कोर्स ऑफ द प्रेजेंट, देर वॉज रियलाइजेशन इवन इन इसराइल दैट द स्टेट ऑफ वॉर प्रिपेडनेस कुड नॉट गो ऑन फॉर एवर। एज द इजिप्शियन मूव्ड आउट ऑफ द सोवियत कंसलेशन, एफर्ट्स वर स्टेप्ड अपॉन टू नेगोशिएट अ पीस प्रोसेस। द कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1978 चेंज पॉलिटिक्स इन द रीजन। इसराइल एग्रीड टू पुल आउट द सिनाई इफ इजिप्ट वर टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। तो इसराइल बोला कि सिनाई ले लो, डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश करते हैं।
Part of the framework of the accord was to recognize the right of the Palestinian people and the formation of Ottoman autonomous government governing body in the Gaza Strip and West Bank. तो क्या हुआ था उसमें, इन्होंने बोला ठीक है तुम ये ले लो, सिनाई पेनिनसुला ले लो, सिनाई पेनिनसुला आप लोग ले लो, और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन्होंने वेस्ट बैंक बना दिया, गाजा स्ट्रिप बना दिया आपका ऑटोनोमस किसके लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए। और किस उसमें इनको क्या था, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। द अकॉर्ड लेड टू अ नोबल पीस प्राइज फॉर प्रेसिडेंट अनवर सादत ऑफ इजिप्ट एंड प्राइम मिनिस्टर मेंचमिन बेंजिन ऑफ इसराइल। तो इन दोनों को आप देखिए क्या मिला है उस समय, नोबल पीस प्राइज मिला है, ठीक है, इन 1978। द इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी फॉलोड नेक्स्ट ईयर विच एजिटेटेड द पैलेस्टीनियंस एंड प्रॉम्प्टेड द अरब लीग टू सस्पेंड इजिप्ट। इन 1981 सादत वॉज असैसिनेटेड बाय द इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद एज ही वॉच्ड अ मिलिट्री परेड to mark 8 year of the crossing of Suez by the Egyptian during the Yom Kippur war, Bibi's war, brother, kya hai dekhte hain. That was also a war in which Netanyahu elder brother, Yonatan known to all as Yoni, led a special forces unit called Seiret Matkal against the Syrian in the Golan Heights. In 1976, Yoni was killed. He was the only Israeli कैजुअलिटी। तो आप देखिए सिर्फ इनके भाई मरे थे और ये जो प्रेजेंट इनके प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, योनी उनके ब्रदर थे। इन द सक्सेसफुल कमांडो रेड ऑन एटेबे इन युगांडा वेर पैलेस्टीनियन एंड जर्मन मिलिटेंट वर होल्डिंग पैसेंजर ऑफ अ हाईजैक एयर फ्रांस एयरक्राफ्ट, द ऑस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993 एंड 1995 लेड टू क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी व्हेन द फतह controlled administration controlling part of the West Bank and the until 2006 the Gaza Strip. That year Hamas, the militant Palestinian organization founded in 1987 with the aim of armed resistance to Israeli occupation, won the election. A year later they ousted Fatah, which was to be founded by Yasser Arafat in 1959 and which is now led by President Mohammed Abbas from the Gaza एंड टुक फुल कंट्रोल ऑफ दिस ट्रिप। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, हमास के हाथ में आ गया था। अब देखिए गाजा का एग्जिट प्लान क्या है। टू ईयर बिफोर हमास सीज कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियन शरोन यूनिलैटरली डिसमेंटल 21 इजरायली सेटलमेंट इन द गाजा स्ट्रिप एंड द 4 इन द वेस्ट बैंक, एन एक्शन दैट जनरेटेड कंसिडरेटेड हीट एंड टॉक इनसाइड एंड आउटसाइड इजराइल। In August 2005, Netanyahu, who was the Sharon's main challenge in the Likud party, resigned from the government as it gathered to approve the first phase of the pullout. ठीक है, ये हमें उनका ball by ball commentary हमें नहीं पढ़ना कब क्या हुआ। He told press conference that it would be embolden Hamas and Islamic Jihad to tighten their grip on Gaza and pose a danger to Israel in future. Under the disengagement plan, Israeli settlements were dismantled, some 9,000 settlers were evicted and the troops pulled out. Palestinians were told that under the Oslo Agreement, Israel would continue to control the airspace over the Gaza and the territorial waters. The strip had 7 border crossings for movement of goods and people. Following a blockade in 2007, only the crossing at Rafah on the Egyptian end. The areas at the strip's northern end with Israelis can be used by people. Israel has rejected criticism that it turned the strip into a open air prison. तो मतलब एयर स्पेस तो वहाँ पे इसराइल का है तो इसीलिए बोला जा रहा है ओपन एयर प्रिजन। तो द अनसर्टेन रोड क्या है, द हमास रेड इनसाइड इसराइल द किलिंग एंड द रॉकेट बैरेज ओवर द वीकेंड हैव टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन नेतन्याहू एंड हिज गवर्नमेंट। While Israeli aircraft have been carrying the strike in Gaza as troops and armor mass, what remains to be seen is how far the Israel defense forces go. A ground offensive could lead to considerable bloodshed and engage troops in urban warfare that may not end quickly. The Hamas and its
अल कसाम ब्रिगेड्स ऑन द अदर हैंड वुड लाइक टू वाइडन द कॉन्फ्लिक्ट होपिंग टू फायर इजराइल सेंटिमेंट्स अक्रॉस द रीजन एंड डिरेल द अब्राहम अकॉर्ड यूएस मेडिएटेड मीडिएटेड बायलेटरल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन बाय इजराइल विद द यूएई बहरेन मोरक्को सूडान इन 2020 एंड 2021। तो आप देखिए यहाँ पे हमास के कुछ अपने पर्टिकुलर रीजंस हो जा रहे हैं जिस वजह से आप देखिए जो है इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। आप देखिए हमने यहाँ पे लोकेशन देख लिया है इसराइल का क्या है और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन सबसे पहले। अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप देखिए सबसे पहले तो मैंने लोकेशन बोला हुआ है, ठीक है, हमें इनके हिस्ट्री का कुछ नहीं करना पर हमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट देखना है, ठीक है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट क्या है? इंडिया और इजराइल के क्या रिलेशन है और इंडिया और इसके फलस्तीन के, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज़ें हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। और यहाँ पे हमें देखना गाज़ा का नहीं अनसर्टेन रोड, यहाँ पे हमने देखा क्या है, क्यों वो लोग हमला कर रहे हैं। हमारे लिए बस इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।